दिया गया। मैं बोली कि मेरे को उल्टा टका दो कि बच्चा गर्भ में ही रहे आधा घंटा, तो ऊपर टका दिया गया। उसके बाद जो है मुहूर्त आई, तब मैं सीधा की गई, तब तो बाहर आया। और बाहर आते ही मैं बेभान हो गई, घंटों तक मैं बेभान रही। जब जगी तो सुनी कि बच्चा मेरा कुशल है, ठीक है। तो इतने तू छोटा रहा, तेरे को कुशल देख करके मेरे उस समय हंस के आंसू आ गए कि मैंने इतना कष्ट उठाकर भी बच्चे को किया है, रक्षा किया। इस प्रकार से तेरे को पहला मैंने किया, और तू बड़ा हो रहा है और फूल की तरह से संभाल कर बड़ा की हो। अभी तेरे ऊपर मेरी अमीर नजर है, मेरा संतान है। शास्त्र में लिखा है कि देवों को, पितरों को तर्पण करो, यज्ञ करो, होम करो, उनका कल्याण हो जाता है। पिता एक संतान पैदा करता है और ऋण मुक्त हो जाता है, लेकिन माँ के ऋण से पुत्र कब मुक्त होगा? जब माँ खुले दिल से बोल दे कि तू मेरे से ऋण मुक्त हुआ, तेरे पर मैं खुश हूं, तो सारा शास्त्र वहां हाथ उठाकर जय जयकार करता है कि बस पुत्र का कल्याण हो गया। इतना पुण्य मिलता है कि जो माँ बोलती है उसमें इतनी ताकत है, शक्ति है। माँ राजी राजी जब बोलती है मेरे ऋण से तो मुक्त हो गया, तो ही हो सकता है। इसलिए मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद दे रही हूँ, लेकिन राजपाट छोड़कर जाना नहीं, यहीं रहना, सब संभालना, हमारी भी सेवा करना। ये कथा राजा रानी की है, शरणागति की है। ये कथा जो है कहीं कहीं शास्त्रों में सुनाया जाता है, तो बच्चों को ये सुनने और जानने की बात है कि आप किस तरह से बड़े होते हैं, माँ बाप किस तरह से आपको पालते हैं, आपको माता पिता के प्रति क्या फर्ज है, ये सोच करके चलना चाहिए। माता पिता बोले ऐसा करना चाहिए, उनके आदेश आज्ञा में रहना चाहिए, उनको जवाब नहीं देना चाहिए, उनके प्रति सद्भाव रखना चाहिए। दो चार बार भी कुछ बोले तो सहन करना चाहिए, माता पिता को उद्धतपना से जवाब नहीं देना चाहिए। ये बोध कब आपको लगेगा? जब आप खुद माता पिता बनोगे, आपका संतान होगा, फिर ख्याल आएगा कि ये क्या वस्तु है। इसलिए माता और पिता चाहे ऐसा संतान पैदा कर सकता है। इसीलिए कल माताओं की बखान किया कि अगर आप लोग न होते और संस्कारी पिता न होते, तो कोई जो कि संत महात्मा कि भगवान राम के कृष्ण इस जगत में नहीं आते, कहाँ से आवे? मनुष्य तरपा ने तपस्या किया कितना हजारों वर्ष, उसके बाद विष्णु से आशीर्वाद लिया, उन लोगों ने मांगा कि आप जैसे मुझे संतान चाहिए, भगवान को आना था, तो उनको आशीर्वाद दिया कि हम खुद आएंगे। जब भगवान कौशल्या के यहाँ आए हैं, चारों भाई कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के यहाँ आए हैं, भगवान की अवतार जो है आप लोगों क्या होता है, अच्छे संतान लाना हो अगर तो आप लोगों की जरूरत है, आप लोग न हो तो संसार का कल्याण नहीं होगा, ये मूल पाया में आप लोग हो। ये सबरी बाई भग करके मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई है, वहां राम ध्वनि सुन रही है, और पहले जो है जो कुछ उसके समझ में रहा भिन्न लोगों की बात निकल गई है, और दिन रात उसके आंसू बह रहे हैं, हमको भगवान मिले, हमारा कल्याण करे।
राम नाम का एक उपनिषद है, राम खड़ाक्षर मंत्र है ये राम, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। ये दो नाम में शक्ति भरी हुई है, जैसे कृष्ण है ओम नमः शिवाय है, इसमें कुछ भरा हुआ है। राम का मतलब है जिसमें सारी सृष्टि रम रही है, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है, जो सबको कल्याण कर रहा है, बहुत बड़ा अर्थ है। सीतोपनिषद रामोपनिषद में थोड़ा इसकी व्याख्या है, बहुत तो आप करोगे तो समझ पाएगा। तो सेवरी वो सुनती रही और बतंग ऋषि का आश्रय में रही। भगवान जब 14 वर्ष के लिए जंगल में आ रहे हैं तो सेवरी के यहाँ पहले आए हैं। सेवरी को मतंग ऋषि ने बोला कि बेटा मैं समाधि ले रहा हूँ, मेरा शरीर अब पूरा हो रहा है, लेकिन तुम यही रहना, कहीं जाना नहीं। गुरु वाक्य में श्रद्धा रख करके सेवरी मतंग ऋषि के आश्रम में है और रोज विचार करते हैं कि गुरु जी ने बोला तो आज राम जी आएंगे। इतनी गाढ़ श्रद्धा रही, रोज रोज राम जी आएंगे तैयारी करती रही, लेकिन शाम हो जाए आए नहीं। फिर दूसरे दिन फिर नहा धो करके फिर वही तैयारी करते करते 50-60 वर्ष बीत गए। सेवरी वृद्ध हो गई, लेकिन गुरु के वाक्य श्रद्धा में, उनके वाक्य में श्रद्धा गई नहीं। बोले हैं तो आएंगे, कौनो सिद्धि की बुनी विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के बगैर कोई सिद्धि नहीं होती है। आज नाज कोई सिद्धि नहीं मिलती है, धीरज रखना पड़ता है। तो उससे वृद्ध हो गई, फिर भी रोज देख रही है आ जाए नहीं। और एक दिन प्रभु पधार गए, सेवरी हक्का बक्का हो गई कि प्रभु पधारे हैं तो इनका सत्कार कैसे करूं, न तो हमको कुछ आता है न कुछ विधान है। बोर बेर तोड़ तोड़ कर रखी रही, वो सामने रख रही है, आसन बिछा रही है, हाथ जोड़ रही है, हमको कुछ आता नहीं है, आप मेरा बोर स्वीकारिए, आशीर्वाद दीजिए। भगवान को कुछ प्रसाद भोग धराना हो तो बहु भाव से बनाना चाहिए। तो जब वो तोड़ती रही तो आंसू बहाते बहाते तोड़ती रही कि मेरे प्रभु आएंगे तो आज इनको ये खिलाऊंगी। पहले से ही भाव भी भोर रही। और बोर बोलते हैं कि जूठी बेर, जूठी बेर नहीं, जिस झाड़ का बोर मीठा हो उसको तोड़ कर रखती रही। तो पहले झाड़ का चख लेती रही, वो मीठा हो उसमें से तोड़ कर रखती रही। इसलिए भगवान के सामने बोर रखी है और भगवान उसके सेवरी के भाव को देख करके बड़े प्रेम से बेर खाए हैं कि क्या सेवरी, इतना मीठा मैंने कभी खाया नहीं, इतना सुंदर फल मीठा आज ही मैं खा रही हूँ। क्यों, फल सब लोग देते हैं लेकिन इतना भाव से विभोर हो करके, प्रेम से ओतप्रोत हो करके, मग्न हो करके कोई नहीं खिलाता। आज तेरा बोर जो है मैं खाकर तृप्त हो गया हूँ, लक्ष्मण को दे रहे हैं। ले वो लक्ष्मण, लक्ष्मण लेते हैं लेकिन खाते नहीं हैं, थैली में रख लेते हैं। एको बोर लक्ष्मण ने नहीं खाया, क्यों, कि मेघनाथ को मारना है। मेघनाथ को वही मार सकता है जो 12 वर्ष तक कुछ खाया न हो, सोया न हो, वही मेघनाथ को मार सकता है।
लक्ष्मण जी शेषा अवतार है, शेष शेष नाग के अवतार है। सांप सैकड़ों वर्ष तक कुछ नहीं खावे तो चले, वो हवा पी लेता है शिकारी मुद्रा से, हवा पान कर सांप रहता है नहीं खाता है। लक्ष्मण जी इसलिए नहीं खाए, बोट रखते गए, कहीं कहीं डालते गए, खाए नहीं 12 वर्ष तक। भगवान बखान कर करके खाए हैं। आप लोगों को खबर है कि जब मेघनाद ने बाण मारा है, लक्ष्मण बेभान हो गए हैं, तो वो लोग कथा में बोलते हैं कि सवरी बाई के फेंका हुआ जो बोर है वो संजीवनी के रूप में उगा हुआ है, उसी से हनुमान जी ले आए हैं तो लक्ष्मण जिंदे हुए। हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए तो संजीवनी लाए हैं, सेवरी बाई के बोर का संजीवनी का स्वरूप बताया है। कहीं कहीं हिमालय में संजीवनी है, लेकिन उस बोर के कारण यहाँ लक्ष्मण जिंदे हो रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि सेवरी तेरे बोर में जो रस है, मिठास है, कहीं नहीं मिला। सेवरी भाई पर कुछ शब्द नहीं आता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं, तपस्वी हैं, लेकिन पहले राम जी वहीं गए हैं। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, आ दूजे रति मम कथा प्रसंगा। ये सेवरी ने सीखा कहाँ मतंग ऋषि से, संतों के उपदेश सुन करके अंदर उतारती रही और मेरे कथा प्रसंग में उसको बहुत रस रहा। जब कथा सुनाते रहे प्रेम से सुनती रही, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति मान, चौथी भगति मम गुरु गण, करे कपट तजगा। गुरु वाक्य में श्रद्धा, गुरु जो बोलता है ना और जो कह गया है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। हमको तो हरिओम तत्सत बोले गाढ़ श्रद्धा है, मैं कहीं हिमालय में भी बैठूं ना तो इसका असर तुरंत दिखता है। वही बात आप लोगों को बोलता हूँ कि महाराज जो मंत्र दे गए हैं उसमें श्रद्धा से कोई वर्ड में कहीं भी बैठ करके इसका थोड़ा जप करके और ध्यान में बैठेगा, अनुभव होगा, 5-7 दिन अभ्यास करके फिर यहाँ लखो लिखो मेरे को कि इसमें क्या है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगत यमान। सौरी को रूपरेखा को स्वामी जी ने लिखा है नवधा भक्ति में, शरणागति का फल क्या है, शरणागति आती कैसे है। एक दो चौपाई स्वाति में सुनाती है, सुन लो सेवरी की। भगवान ने बोला है कि मैं कैसे खुश होता हूँ, वो प्रसंग है। श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाहि, नवधा सावधान सुन।
राम जय राम जय जय राम प्रथम भगति कंतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूजई रति मम कथा प्रसंगा दूजई रति मम कथा प्रसंगा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपट तजिगा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम छठ दम शील बिरति बहु करमा छठ दम निरत निरंतर सजन धर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सातव सम मोहि मय जग देखा सातव सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा मोते संत अधिक करी ले जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम नवम सरल सब सन छलहीना नवम सरल सब सन छलहीना मम भरो दर्शन दीना मम भरोसा दर्शन दीना श्री राम जय राम जय जय राम श्री
भक्ति सुन लिए, एक एक भक्ति पर कितने कितने बोले तो पूरा ना हो, लेकिन शॉर्ट में मैं बोलता हूं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रथ में कथा प्रसंगा। संतों की संगति, अच्छे संत मिले और उनके संग में रहो, उनके गुणों को ग्रहण करो, तो उससे आपका कल्याण हो जाता है। कथा प्रसंग को सुनकर अंदर उतारा जाए और गुरु के चरण कमल में खूब प्रेम भाव श्रद्धा हो। गुरु शब्द बहुत कठिन है, किसी को गुरु बनाना नहीं, जल्दी सोच समझ कर गुरु बनाना चाहिए और बनाने के बाद वह समर्पित होना चाहिए। फिर तर्क तर्क नहीं, दलील नहीं, जो बोले ऐसा करो। इसलिए मैं सोच समझ करके आप लोगों को भी ऐसा गुरु बताया है, इनके चरण में गाढ़ श्रद्धा रखना। मैं किसी को दीक्षा नहीं देता हूँ, किसी को चेला नहीं बताता हूँ, सबकी सब मेरे जैसे हैं, सबके हृदय में विराजमान है। हम सब मिलकर इनकी भक्ति करें तो अच्छा, इसलिए मैं महाराज के चरण में समर्पित हूँ। इतने वर्षों से पढ़ा रहा, इन्होंने कृपा किया है। गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। एक बार विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ से सैया पर बैठे हुए हैं, उसी समय भृगु जी आ गए विष्णु से कुछ मिलने के लिए। अब विष्णु भगवान ध्यानस्थ हैं, एक दो बार पुकारे नहीं सुने तो गुस्से हो गए और एक लत मारा विष्णु को, लात यहाँ पड़ा हृदय में। भगवान जागृत हो गए, महाराज का चरण पकड़ा और हाथ जोड़ा कि महाराज आप पधारे, मैं ध्यानस्थ रहा, क्षमा करिए। उनका पैर ऐसे सहारने लगे, ऐसा क्यों करता है कि आप, मेरा हृदय बहुत कठोर है। लोग बोलते हैं कि विष्णु का हृदय बहुत कोमल है, महाराज बहुत कठोर है। दुनिया के लाखों कष्टों को, दुखों को सुनता हूँ, फिर भी ऐसे कैसे है, सहन करता हूँ और कोमल भी हूँ। इस हड्डी युक्त सीने पर आपका चरण कमल पड़ा, कुछ लगा न हो इसलिए आपके चरण कमल में स्पर्श कर रहा हूँ। ध्यान करके उनका चरण कमल यहाँ रखा। भृगु जी खुश होगा, आशीर्वाद देकर गए। आप लोगों को रामायण की कथा खबर है कि एक अमोघ बाण मारा है रावण ने, उस बाण से कोई बच नहीं सकता है।
उस बाण से कोई बच नहीं सकता है। तो बोला कि विभीषण का वध पहले कर दूं, ये न होता तो भेद खुलता नहीं, राक्षसों का हार नहीं होता। वो मोघ बाण विभीषण को मारा है। तो भगवान ने देखा कि इससे कोई बच नहीं सकता है, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सम्मुख आप सहे प्रभु सहला, ऐसे पकड़ के विभीषण को पीछे किया और खुद और बाण यहाँ सहन किया, और बाण लगते ही फिर समाप्त हो गया, विभीषण बच गए। बोले ऐसा क्यों किया, अमोघ बाण बरला नहीं रहा, इसे कोई बच नहीं सकता है, ये गुरु चरण में ही समाप्त हो सकता था। भृगु ऋषि महाराज हमको जब लात मारे तो उनको हृदय में रखा, यही रख रखा रहा कि कभी काम आएगा। आज जो चरण कमल काम आ गया, वो ना होता तो मेरे पर भी वो वज्रपात काम करता, लेकिन गुरु चरण का यह ध्यान किया रहा, उसके प्रताप से आज मैं बच गया। आपको गुरु की महिमा बता रहा हूँ, इसकी क्या महिमा है, बहुत से इसके विषय में उदाहरण है। गुरुचरण का क्या महिमा है, बहुत कठिन है, इसीलिए गुरु में गाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। तो जिसको गुरु बनाओ उस पर समर्पित रहो। ये दत्तात्रेय के चरण को इसीलिए आप लोग को पकड़ाता हूँ। आप लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं गुरु बनते हैं, नहीं इसलिए नहीं बनता हूँ कि गुरु महाराज विराजमान है, एक गद्दी खाली हो तो मैं बैठूँ ना, तो महाप्रलय तक रहने वाले हैं, तो आप और हम दोनों यहीं रहे तो अच्छा है, छोटे भाई बड़े भाई बन करके। तो आप भी यहाँ समर्पित रहो, हम भी रहें तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे गुरु महाराज हैं। तो गुरु की महिमा इतनी महान है, तो गुरु पद पंकज सेवा ईश्वर भगत यमान, गुरु चरण में अखंड प्रेम भक्ति जिसको रहती है उसको सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ मिलती है। भगवान शिव ने गुरु कोच में लिखा है, गुरु पादम पुरस्कृत्य प्राप्यते कोचम शुभम, तदा यंत्र से मंत्र सिद्धिर भौति तक्षण। अगर कुछ सिद्धि प्राप्त करनी हो तो गुरु चरण में श्रद्धा रखो और उसका रोज पहले वंदन करो। गुरु चरण का पूजन करने के बाद कुछ करोगे तो सफल होगा। भगवान शिव ने पार्वती माँ को गुरु चरण की महिमा बताया है। नारद जी ने माता जी को मंत्र दिया कि शिव को प्राप्त करना हो तो ये मंत्र करो तो प्राप्त होंगे। मंत्र तो चौपड़ी में लिखा हुआ है, लेकिन लिख करके बांचने से कुछ नहीं मिलता है, समझे आप। अगर आप गाड़ी का मैकेनिकर बनना हो, इंजीनियर, तो गाड़ी का सारा स्पेयर पार्ट बांच जाओ कि कैसे कहाँ पर पक रखा जाता है, कैसे चलाया जाता है, कैसे ब्रेक मारा जाता है, सब स्टडी कर लो। स्टडी करने के बाद आपको गाड़ी दी जाए हाँक नहीं सकोगे, प्रैक्टिकली होना चाहिए। किसी के को बैठाकर सीखना पड़ता है, खाली बांचने से नहीं होता। बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पढ़ लो कहाँ कौन सा नस है, कैसे ऑपरेशन होता है, सब खोख लो। अब किसी दर्दी का ऑपरेशन करने जाओगे तो ऊपर भेज दोगे, क्योंकि ऑपरेशन कभी किया नहीं है, किसी सर्जन के हाथ नीचे प्रैक्टिकली करना पड़ता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। इसलिए कुछ भी करना हो तो प्रैक्टिकली होनी चाहिए। तो अगर आप कोई मंत्र हो और कोई महान सिद्ध पुरुष लो जो कि उसका जप
बहुत किया हो, वो सिद्ध हो गया हो, अब आपको देगा तुरंत काम करेगा। मंत्र इसे लेकर नहीं जप होता है। तो नारद जी ने माँ पार्वती को मंत्र दिया है और माँ जप रही है। उसके बाद जो है देखा कि अब संकल्प खींच रहे हैं तो परीक्षा के लिए भेज रहे हैं। बहुत लोग परीक्षा करने गए, माँ हटी नहीं है। बाद में सनकादि को भेजा है, सनकादि ऋषि ने भी बहुत कोशिश किया, माँ ने बोल दिया कि आप बाल कुमार को मैं बंधन करती हूँ, गुरुजन जो मंत्र दिया हो उसमें गाढ़ श्रद्धा है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तजुन नारद कर उपदेशु, आप कहें सदबार महेशु, गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुलभ न सुख सिद्धिते ही। गुरु के वाक्य में जिसको विश्वास न हो, श्रद्धा न हो, उसको कभी कुछ सिद्धि उद्धि नहीं मिलती है। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने सुलभ न सुख सिद्धिते ही। तज उन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सदबार बहेसु, जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, अबरो शंभु न तरहो कुमारी। चाहे अनेकों जन्म बीत जाएगा, गुरु महाराज का उपदेश मुझे नहीं छोड़ना है और मैं करती रहूंगी जब तक शिव न मिले। बाद में शंकर को मिलना पड़ा है। गुरु की महिमा इतनी है। माँ पार्वती नारद को गुरु मानी है, उसके बाद वो आदिशक्ति जगदम्मा है, लेकिन गुरु तत्व बहुत बड़ा है। गुरु कोई स्थूल आकार नहीं होता है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु जो है एक ब्रह्म तत्व है जो अखंड व्याप्त है और सबके हृदय में है। श्रद्धा से कोई उसको स्वीकारे तो आता है, वो सारे विघ्नों को आवरणों को दूर करके प्रकाश फैला देता है, कल्याण करता है, इसलिए वो गुरु है। गुरु की इतनी महिमा है। गुरु शब्द की व्याख्या भी बहुत बड़ी है, शास्त्रों में इसका बहुत विश्लेषण किया। तो मेरा कहना यह है कि खाली सेवरी का प्रसंग बाँच लिया आपने, इससे अंदर उतारो तो ख्याल आवे कि किस श्रद्धा से भक्ति की है तो राम मिले। ऐसे ही अगर किसी मंत्र साधना में श्रद्धा रखोगे आपको कुछ मिलेगा। हमने कोई उपकार नहीं किया है, मैं अपना फर्ज ज्यादा किया हूँ। मैं भी आपके तरह से मानवी हूँ, इस जगत में जन्म लिया, जन्म ले करके कुछ करना चाहिए। खाली खाया सोया शरीर छोड़ दिया, ये मानव धर्म नहीं है। मानव शरीर से हजारों का भला हो सके, कुछ हम कर सके तो मानव शरीर का फर्ज होता है। खाली अपने परिवार का रक्षण करना ही सीमित नहीं है। मानव ऐसा होना चाहिए कि अपने बल पौरुष तपस्या भक्ति से दूसरे का भी भला करे, दूसरे का कल्याण करे, न हो सके सद्भावना रखे, किसी का अहित न सोचे, अकल्ला न सोचे। तो इसे नहीं कर सको तो भजन साधन करो। भजन करने से आप संकल्प करिएगा तो सर्व भगवन सुखिना सर्व संत निरामया की भावना करोगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति जगेगी, वो बहुतों के पास पहुंचेगी, सबको मानसिक शांति देगी, सबका कल्याण होगा। मैं किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को मकान नहीं दिया, किसी को धन नहीं दिया, भजन साधन किया, महाराज मिले। आज जो मंत्र दिया है इससे ये काम धोखा है सब होता है। मैंने चैलेंज किया कि 10 दिन इस मंत्र को करो, अपने इष्ट के देव के सामने
हरिओम तस् जगदत्ता, हरिओम तस् जगदत्ता, हरिओम तस् जगदत्ता, ऐसे बोल कर 10 मिनट ध्यान में बैठकर प्रार्थना करो। अगर इस मंत्र में शक्ति हो, दत्तात्रेय महाराज ने दिया हो, इसे मानसिक शांति मिलती हो, रास्ता मिलता हो, तो मुझे कुछ अनुभव हो तो मैं भी मानूं। श्रद्धा और शरणागति के साथ प्रार्थना करके बैठो, 5-10 दिन के बाद चिट्ठी लिखो, क्या हुआ, व्यर्थ जाएगा ही नहीं। बिरखा न हो देव ऋषि वाणी, सिद्धों संतों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। तो इससे खाली आपको मुक्ति ही नहीं मिलती है, खाली शांति ही नहीं मिलती है। शांति का मतलब जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी न होगी तो शांति कहाँ से होगी। तो सद इच्छाओं की पूरी करते हैं, असद इच्छाओं को हटा देते हैं। कितने लोगों को बोलते हैं कि हमारा पैसा फंसा रहा, मिल गया इस मंत्र के करने से। कोई बोलते हैं कि हमको संतान नहीं रहा, तो यहाँ आते हैं दो दो छोकरे लेकर के चरण में रखते हैं कि क्या है, ये बाधा रखा रहा, संतान होगा तो यहाँ आएंगे तो दोनों संतान को पगे लगाने आए हैं। कोई बोलता है कि नौकरी लग गई, तो आप लोगों से हमको बोध होता है कि इससे ये भी होता है, हमको ये खबर नहीं था। आप लोग मेरे से भी ज्ञानी हो, भगवान के पास क्या क्या ले लेते हो खबर नहीं। हमको लगा कि मुक्ति मिलेगी, कल्याण होगा, लेकिन आप लोग तो सब कुछ मांग लेते हो। तो मेरे को लगता है इससे संतान में मिलता है, धन में मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ मांगने से अच्छा है परम शांति मांगो तो अच्छा। आप लोग बड़े कलाकार हो, मेरे से ज्यादा पहुँचे हुए हो, ज्यादा आप मांग लेते हो, हमको खबर नहीं थी, इतनी वस्तु इसमें मिल जाती है। तो आप करके देखो ना, तो क्या लावे इसमें क्या है। सारे विश्व को अमूल्य वस्तु दे डाला है महाराज ने। मुझे बहुत शांति है कि मैं ये आश्रम में बैठा हूँ, आश्रम मेरा नहीं है, आप लोग संभाल ले हो। मैं बैठे बैठे भजन करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, आप लोग यहाँ देते हो, आप खाते हो, मैं खाली देखता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। मैं चौकीदार के तरह से आश्रम की सुरक्षा में निमित्त बने बैठा हूँ। हमारी जगदम्बा है, शैलजा देवी, इनका भी यही संकल्प है, सबका कल्याण हो, मंगल हो। आप लोग आए तो खाना खाएं, भजन करें, कुछ गुण लेकर जाएं। तो ये बहुत ध्यान रखते हैं कि लोगों को अच्छा खाना मिले, लोग अच्छी तरह से रहें, आनंद में होकर जाए, ये ऐसा आशीर्वाद दे दे रही। कहने का मतलब यह है व्यक्ति कुछ करती नहीं है, व्यक्ति निमित्त मात्र है, करने कराने वाला वो है। आपका भाव संकल्प पवित्र होना चाहिए, उसका फल मिलता। कुछ भी करो, अच्छे अच्छे भाव प्रेम से करो, वो मंगलमय होता है। तो भजन साधन व्यर्थ नहीं जाता, थोड़े दिन बैठकर जप तप करो तो कुछ मिलेगा। एमए बीए की डिग्री 10 दिन में नहीं मिलती है, एक एक वर्ष में एक एक क्लास पढ़ना पड़ता है, 10-12 वर्ष लगे ना तो एमए बीए बनो, पीएचडी करो। तो भजन साधन भी एक ही दिन में सिद्ध नहीं हो जाता है, लगे रहोगे फिर उसमें गुल खिलेगा, प्रकाश होगा, फिर आप चाहो सो कर सकते हो। लेकिन भजन साधन के बीच में दूसरे कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, मात्र एक ही लक्ष्य होना चाहिए तो काम सिद्ध होता है। हमको भगवान का दर्शन करना है, हमको कुछ पाना है, उसी में लगे रहो, और कुछ मत मांगो तो सिद्धि मिलती है। अलग अलग इच्छा करोगे तो सब जगह तपस्या बढ़ जाती है। इसलिए मुझे यही कहना है कि कोई भी प्रसंग हो, किसी के भी उदाहरण में ले लो, उसको जीवन में उतारोगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा।
कब क्या घटना घट जाए खबर नहीं। कभी भी धन में, दौलत में, प्रॉपर्टी में बहुत महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, दुखदायी होता है। संपत्ति चली गई तो धक्का लगता है, बहुत ज्यादा आ गई तो संभालने में तकलीफ होती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, वो अच्छा रहता है। माप माया और गया वो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं ज्यादा आ जाए तो किसी किसी को करोड़ों लॉटरी लग गई तो हार्ट अटैक हो जाता है, वो इतना क्या करूँगा, और नहीं मिलता है तो भी दुख होता है। इसलिए संपत्ति बहुत अच्छी नहीं है, माप न रहे तो अच्छा। आप बोलते जरूर हो लेकिन ज्यादा आ जाए तो बहुतों को देखा वो रात वाली चरणामृत शुरू हो जाता है 9 बजे के बाद, वो शुद्ध बोध भूल जाते हैं, कहाँ खोए रहते हैं खबर नहीं, विचार खराब हो गए हैं, गलत रास्ता पकड़ा गया है, जुआ में, दारू में, व्यविचार में, शराब में चला जाता है, शांति नहीं रहती। भगवान बहुत लक्ष्मी जो पैसा वाला दे अच्छा नहीं, अच्छा सदविचार हो वो महालक्ष्मी। इसलिए आप लोग इतना प्रेम भगवान में रखना कि हम भी भूखा ना रहे और तिथि को भी हम खिलावें और तेरी भक्ति होती रहे, इतना आशीर्वाद देना बस है, ये मांगोगे तो आपका कल्याण होगा। अब दूसरे दिन आप लोग रुके हुए हो, हमको बहुत बोध नहीं देना है, हम वक्ता नहीं हैं, रोज रोज आपको सुनावे, खाली आप आज का चैप्टर क्या है सुना दिया, कुछ याद ही रखो जेब में उतारो। एक क्लास का सारा चैप्टर एक ही दिन पढ़ा दे तो नहीं होता है, लेकिन इसमें तो सब आ गया। खाली नाम स्मरण करो, श्रद्धा विश्वास भक्ति रखो तो वहाँ कल्याण हो गया। लेकिन कुछ कल बोला रहे इसे उतारो, इतने आदमी आए हैं, कोई दान पुण्य किया, कोई आया रहा दिलीप से, कोई पानी मुका कि हम दारू नहीं पिएंगे, गांजा नहीं लेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, चरस नहीं, कोई बोला, कोई नहीं दिया। आए तो सबके पास, कुछ छोड़ो जाहिर में नहीं तो लिख करके दो, अथवा इसे भी कुछ बोलो कि मैंने छोड़ दिया बापू, चिट्ठी लिखोगे तो भी खुश हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, हाँ एक दो आदमी बोले कि दारू छोड़ दिया तो 15 दिन के बाद चिट्ठी आएगी, बापू वो पीता है, मैंने उससे पूछा तुमने छोड़ दिया फिर पीने लगा, नहीं अब लट्ठा पीता हूँ, तो साले तो दारू से भी खराब है, उसमें तो मृत्यु हो जाती है। तो एक छोड़ के दूसरा पकड़ना अच्छा नहीं, छोड़ना हो तो वकालत नहीं, ठीक से छोड़ो और शांति प्राप्त करो, खुश रहो, घर का वातावरण पवित्र रहे, आपके घर में मंगल रहे, भगवान खुश रहे, ऐसा करो, यही मेरा उपदेश है। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। अब मैं जा सकता हूँ, हमको हवन में जाना है, नित्य कर थोड़ा बाकी, आप लोग से रजा ले रहा हूँ। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। शाम को कितने बजे पधारेंगे? शाम को अब नहीं, ये तो थक जाते हैं, अब शाम को नहीं, आप शाम को तो आना पड़ेगा, 5 बजे आइए, 5 से 7, 5 बजे ये लोगों का आराम मिला ऐसा करो ना, ऐसे तो छुप छुप के कितनी बार मिलते थे लोगों को, अब जाहिर में मिलो।
शाम को ध्यान करा रहा हूँ तो आओ बोलिए। हाँ ध्यान कराइएगा, खाली बैठे रहे तो भी चलेगा। तुम्हारे संकल्प और राजा के सिवाय ध्यान ही नहीं लगेगा। आप बोलो तो लगे। नहीं मेरा तो शुभ भावना रहती ही है, लेकिन आप पधारिए, 5 बजे आइए। रोज कथा सुनते शाम को ध्यान करके देखो क्या होता है। पौने पांच बजे के आसपास, 4:45 में आ जाइए। एक दिन में ज्यादा शक्तिपात नहीं करनी चाहिए, हाई डोज हो जाएगा, लेकिन कुछ होगा जरूर। मैं ध्यान में बिठाऊंगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। देखो शक्तिपात क्या होता है, संकल्प शक्ति क्या होती है, देखना शाम को 5 बजे। मुझे आना नहीं था आज, क्योंकि बहुत करा लिया है, लेकिन मैं कल बोला रहा कि 4-5 दिन का ध्यान रखो तो यहाँ से कोई ज़्यादा नहीं चाहेगा, 500 आदमी यहीं रहने लगेंगे, ऐसा हो जाए। वो शक्ति क्या है, लेकिन आज शाम को कराऊंगा, इनकी अनुमति है, ये साथ में रहेगी तो होगा। सदगुरु देव की जय। कल जो दिया था ना वो बधा बेसी जाओ हवे। चलो बधा पोतपोतानी जग्या बेसी जाओ।
घंटे का लगने वाला है। हाँ, जाते जाते बापू बोल गए 20 मिनट का नहीं लगेगा, 1 घंटा ध्यान लगेगा। बाथरूम बाथरूम जाके आके बैठ जाना, 1 घंटे आंखें नहीं खोलनी है, ठीक। हाँ, एक से दो भजन सब लोग मिल के गाएंगे, जो मिल के गाने वाले हैं। स्वाति बेन एक भजन सुनाएंगे, तत्पश्चात भोजन होगा और 3:30 से 4 बजे हम यहाँ आ जाएंगे। जिनको कोई कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न हो, तो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। 4 बजे 5 बजे पूज्य बापू श्री पधारेंगे। और मनु भाई है क्या यहाँ दरबार जी? वो रात तक जो लोग रुकने वाले हैं, रात तक जो जो भोजन पाके जाएंगे, वो कृपया हाथ ऊंचा करें। लगभग छे दरबार 75% छे। चरण
तुम मिलने आ जाओ, मेरी जिंदगी सवर जाए। अगर तुम मिलने आ जाओ, जाऊं
सिमट कर एक हो जाऊं अगर तुम मिलने आ जाओ। सिमट कर एक हो जाऊं अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी तमन्ना भी मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। अगर तुम मिलने आ जाओ। તો નમું છું અનસુયા સુતમ ડાયરી હોય તો મોકલજે લખજે મોઢે જ ગુરુસ્થાન કા એક એક પહલ ચાહે कोई कार्यक्रम हो कि न हो यहाँ रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है क्योंकि सूक्ष्म जो देख सकता है उसको बोलने की मनाही होती है ज़्यादातर। लेकिन संक्षेप में बताऊँ तो ये गिरनार जो है वो वास्तव में सिद्धों से भरा हुआ है। खास करके जब यहाँ कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो गुरु दत्तात्रेय महाराज सिद्ध मंडल देव मंडल की उपस्थिति होती है। हम और बापूश्री तो मात्र निमित्त हैं। वो सब आपको हमको हमारी योग्यता से भी ऊपर आशीष करते हैं, कृपा बरसाते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगती है। कुछ कुछ घटना कुछ योग अपने आप होने लगता है। अंतर योग है, लय योग है, अपने आप। योग मतलब कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, संजोग। योग मतलब संजोग। आनो योग नहीं अत्यारे लगनो आपणे कहे ने, अत्यारे आनो योग छे। योग मतलब संजोग ऐसा बन जाता है। तो आप सब हम सब बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि कई प्रकार के विटमराएँ और द्विधाएँ जो हम बोल भी नहीं सकते किसी को, ऐसे हमारे जीवन में घटती रहती है सबके जीवन में। तो वो अपने आप में उसका निराकरण कोई ना कोई रास्ता, वो उलझनों से हमें मानसिक और शारीरिक राहत होने लगती है। क्योंकि प्रत्येक जीवन एक किताब है, एक एक मनुष्य की अपनी कहानी है, अपनी जीवन की जो बचपन से लेकर के जब तक की उम्र के हो। तो ये जो गुरुस्थान है ये अपने आप में एक ऐसी फिल्टरेशन सिस्टम हो जाती है दत्त महाराज की। उसमें खास ख्याल रखना कि हम न बापूश्री ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ इतना जरूर है कि हमारा उनके साथ जरूर सीधा संबंध है, तो वो आते हैं बुलाने पे, तो लाभ सबको ही होता है। जैसे अगर कल यहाँ सीएम का या पीएम का कुछ कार्यक्रम हो जूनागढ़ में या अपने आश्रम में, तो पहले तो उनकी फौज आएगी, दो चार दिन पहले वो सब जांच पड़ताल कर लेंगे सिक्योरिटी वगैरह का। और जब वो आएंगे तो क्या कोई चोर उचक्का लुच्चा लफंगा कोई रह सकता है? सीएम की अगर यहाँ विजिट है तो कोई पॉकेट मार है, चोर है, उचक्का है, कोई नहीं। नेगेटिव को भाग जाना पड़ेगा क्योंकि पुलिस आ जाएगी, उनकी सेना आ जाएगी। सीएम की सेना उसके पहले आ जाती है,
उसी तरह से जहाँ दत्त महाराज हमारे गुरु महाराज इतने प्रबल है, इतने समर्थ है कि जहाँ उनका आगमन होता है सूक्ष्म से, तो सिद्ध मंडल उनकी टोड़की पहले से वहाँ व्यवस्था करने चली जाती है और बाद में भी व्यवस्था करती रहती है। ये सत्य मानो बहुत बड़ा गहन विषय है। तो हमें तो क्या है, जपते गुरु गुरु जपना और सब सपना, सद्गुरु का नाम लेते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सबको भी खूब खूब मुबारक है। पूर्णिमा का ये दूसरा दिन, मेरी तो सुबह में आंख से आंसू जा रहे थे। देखो हम गुरु को क्या कहेंगे और क्या मांगेंगे, मतलब कल आज सुबह से जो वातावरण था, इतनी बारिश, इतना अंधेरा, तो मेरे को विचार आया कि ये परिस्थिति कल होती तो क्या होता। अपना पूरा कार्यक्रम, जिसके लिए ऐसा नहीं है, हम लोग जो ये निश्चित किए हैं ना, तो कभी कभी तो मैं बोलती थी साला मेरा वेकेशन खत्म हो गया क्योंकि सबको आमंत्रण तो दिया लेकिन व्यवस्था कुछ तो देखनी पड़ती है। खास करके इस बार थोड़ा दूसरा परिस्थिति था कि ये ध्यान हॉल नया सेटिंग, छतरी में तो सब गुठा गुठाया है, स्पीकर भी है, माइक भी है, जैसा तैसा चल रहा है। अभी गुरु महाराज के आशीर्वाद से अच्छी स्पीकर सिस्टम JVT की किसी की आई है, तो वो सब ध्यान हॉल का सर्वे करने गए तो हम लोगों को समझ में आया कि इसको भी तो बदलना चाहिए। तो अमित भाई वगैरह, हम दरबार जी, वीरेंद्र जी वगैरह मिल के बदले उसको। तो वहाँ एक माइक सिस्टम है, माइक भी है और मंडप डाल दो, पूनम हो गई। अब की तो ये हॉल खोलना है, उसको मतलब व्यवस्थित करना है, आए गए लोगों को कम से कम तकलीफ हो। शायद आपको प्रोटोकॉल में बताया भी गया होगा कि रेनकोट और छतरी अवश्य लाएं। तभी कल वहाँ बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं किया था, ज़रूरत से ज़्यादा मंदिर में। आधे घंटे का फंक्शन था, एक घंटे का, फिर भी अमुक बात जो हमसे लोगों से रह गई कि वहाँ दो चार मंडप होते तो आप लोगों को धूप कम लगती। कल थोड़ी धूप थी ऐसी कड़ाके की, और आज सुबह से तो जो वातावरण था वही समय मुहूर्त 10 से 11 का था। हैदराबाद से जो हमारे स्थपति है, जो मंदिर का डिजाइनिंग करते हैं, वो आने वाले थे, राजू भाई को उनकी ड्यूटी सौंपी। तो मतलब एक अफर सैनिक राजू भाई जैसे और भी बहुत सब आप लोग सब हो, लेकिन उनकी ऐसी ड्यूटी थी कि लाओ और ले जाओ। प्रसंग में ले जाने के लिए तो वो नहीं जाते तो भी चलता, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी इतनी निभाई कि उनको ले भी गए, प्रोग्राम छोड़ दिया, क्योंकि 1.5 साल के बाद वो भी तो मनुष्य है, उनको भी मन होता कि हम रुक जाएं, लेकिन नहीं, ड्यूटी इज ड्यूटी, वर्क इज वर्शिप मान करके वो तो सहज में। हम जहाँ भी रहें, हम निष्ठा से गुरु और गुरुस्थान से जुड़े रहें, कर्म करते रहें, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली होने ही लगता है। तो इस पूर्णिमा से, खास करके कोरोना काल का ये अनुभव, तो कुछ बाकी तो है नहीं अनुभव लेने में, अब चाहिए भी नहीं ऐसा कोई भी प्रकार का अनुभव, तो वो अनुभव हो चुका है। अब हमें आगे एक मंत्र, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त, बने उतना जपते रहें। जब काम करें तब मंत्र जपना करें, तो सहज में हम उसके नज़दीक और जाते जाएंगे। बाकी तो अच्छा बुरा कर्म, सबका भाग्य तो नहीं बदला जा सकता, किसी का भी भाग्य तुरंत नहीं बदला जा सकता है, तो उसको तो हमें देखना है, झेलना है, लेकिन खुद भी स्वस्थ रहना है। तो इसलिए ये जो पूर्णिमा का प्रसंग आज हुआ है, उसमें सब ने, खास करके दिलीप सिंह जी है, अनिल भाई है, ऋषिकेश के मैनेजर जो है, यहाँ एक नए आए हैं पार्थ जी, ऐसे सब लोगों ने मिल करके, महेश भाई है जो अभी आश्रम में बैठे हैं, सब लोगों ने मिल के जितने भी थे, ये एक 20-21 दिन की मेहनत तो सफल जैसी ही लगती है कि सबको शांति मिली, सबको आनंद आया। अगली पूर्णिमा का ऐलान 10-15 दिन के पहले
कर दिया जाएगा, ऐसा कोशिश करेंगे तो पूनम पूनम को संजोग अनुकूल रहा तो पूनम पूनम को दो दिन आश्रम खुलेगा, उसके बाद फिर बंद रहेगा। तो पूनम पूनम को एक दिन पहले तो आना ही पड़ता है, अगर दूसरे दिन का लाभ लेना है तो 10 बजे का। तो पूर्णिमा पूर्णिमा को कोशिश ये जरूर करेंगे, अगर महादेव की कृपा रही तो खुला रहे आश्रम, आप सब आते जाते रहो, मिलते जुलते रहो, और वहाँ भी मंत्र जप अवश्य करते रहना, थोड़ा ध्यान भी करना। बाकी तो बैटरी बहुत चार्ज हो जाती है, गुरु महाराज की कृपा से सिद्ध मंडल भी खूब आशीर्वाद देता है आप हम सबको, क्योंकि हम उनके सहारे आए हैं। आप यहाँ पधारे हो सब लोग, क्यों? बापू का दर्शन होगा, मैया मिलेंगे, दत्त भगवान का नाम लेंगे, हमें अच्छा लगेगा, तो इसलिए आए हो। तो विश्वास, एक विश्वास से आए हो, तो क्या आपका भरोसा और विश्वास दत्त महाराज तोड़ेंगे? कभी कभी नहीं तोड़ेंगे। आप वहां से चलते हो, उससे पहले उसको यहाँ, जैसे कोई बेटा है वो परदेश से आता है तो माँ बाप क्या क्या नहीं तैयारी करते हैं, मेरा बच्चा आएगा उसको कुछ मैं नाश्ता कर क्या कराऊंगी, क्या मैं उसको, पिता बोलता है उसको क्या गिफ्ट दूंगा, कैसे उसके साथ क्या उसको खुश हो ऐसा करूंगा। तो ये तो हमारे बाप के भी बाप हैं, ऐसे गुरु दत्तात्रेय महाराज आपकी हमारी हमारे आपसे ज़्यादा चिंता करते हैं। सुबह ही मेरे आँख से आंसू, जो मैंने कहा अरे अरे ये हालत कल होती तो गुरु क्या नहीं करता है। मैं सही बताती हूँ, छोड़ो छोटी छोटी बातों का नाराजगी जीवन में, छोटी छोटी बातों का छोड़ो, हमारा क्या होना था और क्या करके उसने हमें रखा है ये हम आप कभी नहीं जान सकते। ये वो ही जान सकता है, क्योंकि हम दत्तात्रेय नहीं है, गुरु ही जान सकता है कि हमें कब क्या कैसे किस तरह से सुरक्षा देनी। और हमारी फर्ज है हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि हम भजन कर सकें, कुछ काम कर सकें, कुछ सेवा कर सकें गुरु स्थान की। हमारा भी फर्ज है बहुत ज़्यादा अटरम पटरम खा करके, इधर उधर घूम घुमा करके, व्याभिचार करके अपने शरीर को न बिगाड़ें, प्रमाण में रहो। अब आप एक जो मर्यादाएं होती है जीवन की उन मर्यादाओं में रहो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन संयम तो रखना पड़ेगा, उसके सिवा सब कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी करते रहो और हमारा कल्याण हो जाए, तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो पहले तो प्रार्थना ये करो, गुरु महाराज मेरा शरीर स्वस्थ रहे, बाकी सब अच्छा रहे, क्योंकि आप सुखी जग सुखी। सब कुछ अगर अगर फोड़ा हुआ है शरीर में तो वो फोड़ा तो उसका कष्ट तो भोगना ही भोगना है फोड़े का, कोई मरम पट्टी कर देगा, कोई थोड़ा अपने पास बैठ लेगा, लेकिन सहन तो अंत में खुद ही पर आता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने की भी कोशिश करें, और मन स्वस्थ रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, ध्यान करते रहेंगे तो अपने आप सब मन ठिकाने रहेगा, तो भगवान का नाम लेने का भी मन करेगा, नहीं तो वो भी नहीं करेगा। शरीर ठीक नहीं है तो भजन में मन नहीं लगता है, मन नहीं करता है कि हम भजन करें, या भगवान के नाम में रस नहीं पड़ता। तो शरीर को भी ठीक रखो, कोशिश करो और सतत उसको याद करते रहो। एक छोटा सा भजन गाएंगे, तत्पश्चात भोजन करेंगे, और तत्पश्चात 3 से 4 के बीच में मैं यहाँ आ जाऊंगी, और उसके बाद लगभग 4-1 बजे का टाइम मैक्सिमम रखिए। जी किसी को कोई प्रश्न हो, कोई हो तो मेरे से हो सकेगा वो समाधान करेंगे, और बाकी तो काफ़ी बातें सत्संग में आ ही गई है, तो उसको हमेशा आप सावधानी से सुनते ही हैं, सुन ही रहे हैं। और पूज्य बापू श्री बहुत अच्छा बोले आज, वो भी आपको हमको अच्छी अच्छी बात परसते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, तुलसीदास जी जो राम रोम रोम में राम जिनके है, एक ही बात बताए, प्रथम भगति संग,
जीवन में मेरा भी बहुत अनुभव है, याद रखना कि रंग नहीं चढ़ेगा लेकिन संग जरूर चढ़ेगा। वाइब्रेशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट इन लाइफ। आप नेगेटिव लोगों के वाइब्रेशन में जाओगे तो नकारात्मक शक्ति आएगी ही। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ जो पॉजिटिव सोच है, ना भय ना भय ना भय, तो जो ननैया भरता रहता है उसके साथ ज़्यादा डिप्रेस जो हो, जो मानसिक जिनकी ओरा जिनकी सोच मतलब नेगेटिव है, उसको उससे दूरी रहो तो अच्छा। हाँ, कोई सच्चा बोलता है आपको और आपको नेगेटिव लगता है तो समझ लेना आपका अहंकार है। लेकिन नकारात्मक शक्ति से दूर रहो। कोई कोई संबंध ऐसे होते हैं, ऐसे सास ही है भयंकर नेगेटिव है, कहाँ जाओगे? तो वो तुम्हारा प्रारब्ध है, तो उस प्रारब्ध में तुम यहाँ आ जाओ, दो तीन दिन अपनी कचरा साफ बैठो, ध्यान करो, कचरा साफ हो जाएगा, फिर उस सासू के सासू माँ के साथ जियो। अपने कमरे में तो अपना ओरा रख सकते हो, अपने कमरे में ऐसी रखो, कोई अच्छा भजन सुनो, कोई अच्छा गीत सुनो, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी जैसे भी मिले उसको ले लो। तो ये खेल नेगेटिव पॉजिटिव, तो संग प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये दो दिन आप यहाँ पधारे, बापू को सुना, मुझे सुना, दरबार जी को सुना, आत्मा खुश हो जाती है, अंदर से प्रसन्नता आती है कि चलो अपने को मतलब। पर ये ज़्यादा टिकता भी नहीं है, वो हमेशा नहीं टिकता है क्योंकि वाइब्रेशन है। अभी बापू का, मैया का, दत्त भगवान का, दत्त गिरनार के सिद्धों का फुल फुवारा छूटा हुआ है, तो वो 10-15 दिन तो रहता है लेकिन उसके बाद फिर जो है वो डीम होने लगता है। तो वो डीम ना हो, कम से कम डीम हो, फर्क तो पड़ता ही है। उसके लिए कमरे में अपना ओरा अपना वाइब्रेशन बना लो। तो ये सब बातें जरूरी है। 4 बजे कोई प्रश्न हो, 4 से 5 के बीच या 4 से 7 के बीच में भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछना, अध्यात्म से संबंधित किसी से भी संबंधित। जाहिर में तो प्रश्नोत्तरी से सत्संग हो जाता है, सहज में तो आप उसको अवश्य देखें। एक छोटा सा भजन सब लोग मिल के गाएंगे, तत्पश्चात भोजन। हो तो न मुझो म्यूजिक आप थोड़ो झेलेंगे, हम गाएंगे। पराकाष्ठा होती है। पूज्य श्री के जो भजन है, जो पद्य है, उसमें पूरा ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है। आप लोग आओ, ऐसे मत अपेक्षा रखो कि खाली सत्संग होगा, एक दिन खाली भजन ही भजन हो, तो उसमें भी पराकाष्ठा का ज्ञान भरा हुआ है। ये गुरुवाणी है, ये केबी वाणी है। घट घट मात घट घट माते देव बिराजे रे, सर्व सबके अंदर वो दत्तात्रेय बैठा हुआ है। उसको प्रणाम करें, नमस्कार करें, उसकी इज्जत करें। घट घट माते देव बिराजे रे, घट घट माते देव बिराजे रे, घट घट माते
Come
अवतार हो गए गिरनार में ही उनको प्राप्ति हुई है। बहुत बड़ा संप्रदाय है अवधूत परिवार, ऐसे रंग अवधूत जी का ये भजन है। क्या बताते हैं, जो मैं भी बारंबार ठोक ठोक के बता रही हूँ कि आप जे तारा अंतर नो एक तार, ये भी क्या बोल। जो जो भक्त हुए, जिन्होंने साक्षात्कार हुआ, जिन्होंने दत्तात्रेय अपने इष्ट को पाया, दर्शन हुए, उन्होंने एक ही बार बताया है कि प्रेम लक्षणा भक्ति। निराकार भी है पंथ, निराकार पंथ है जिसमें वेद शास्त्रों के आधार लेकर के जीव आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें बहुत कम साधक लोग सफल होते हैं। भक्ति जो है विनम्रता है, अहंकार शून्यता है, ये सब होना पड़ेगा। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं तो कई डाया भाई जैसे कई साधकों ने देखा है कि ऐसी ऐसी पड़ती थी, 100, 25, 50, 100, 200 लोग होंगे। गुरु की बराबर की पड़ती थी, बापू श्री को कहीं भी कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो बोल देते थे इतने सहज। अहंकार आपका चूर चूर करता है गुरु, आपका अहंकार है, आपकी घृणा है, आपका जो द्वैत भाव है उसको चूर चूर कर देते हैं। कई बार हमारा आपका मान अपमान होगा हर प्रकार से, तब जाकर के आप सिद्ध सिद्ध है। એટલે શું આપણે કે ગિરનાર ના સિદ્ધ બતાઉં, મેં ભી સિદ્ધ હું ક્યું સિદ્ધ એટલે શું, કોઈ વાયુમંડળમાંથી બટેટા લાવી દે, કંદમૂળ લાવીને ખવડાવે, લે તું ખા, કોફી મંગાવી દે, કે જલેબી વાયુમંડળમાંથી આવે ને, એને સિદ્ધ કહેવાય? सिद्ध मतलब गल जाना। आप चावल है वो पानी में उबल 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 करके गल जाता है, खाने लायक हो जाता है, उसका नाम सिद्ध है। तो आप सब भी कई कई बार गुरु स्थान में या अपने परिवार में ये सब, खास करके गुरु स्थान में तो ये होता है, अपने अपने अहंकार को चूर चूर करता है गुरु। कभी समय हो, परिस्थिति हो, नहीं हो अनुकूल, तो वो निमित्त बनता है। जैसे हम न बापू श्री है तो अच्छे और बुरे दोनों के लिए निमित्त बनाता है गुरु महाराज। ऐसा नहीं कि हम अपनी रीत से कुछ नहीं करते, कुछ कुछ तो आता है प्रकृति हमारा भी, लेकिन ज़्यादातर वो निमित्त बनाता है। तो जाने अनजाने एक बात रखे, કેટલો ફેર પડે, કોઈ ગાળો આપે દેતો રે, બકતો રે, શું કરવાનું? તારું મારું હું ગયું છે, ગાળો દે એને, કે એનું મોઢું ગંધાય, આપણે શું? લેકિન હમારે છાતી પે ક્યું ઈગો લેવલ હૈ, મુજે તો અખાડો મેં જાકે બહુત ફાયદા હુઆ હૈ, બહુત જ્યાદા ફાયદા, એસી અચ્છી અચ્છી બાતે જાનને કો મિલતી હૈ। એક સંન્યાસી, મેં ત્રંબક મેં થી, એક સંન્યાસી આયા, छोटा था, उम्र उसकी 18-1 साल की होगी। तो मैंने कहा बेटा अच्छे हो? बोले हाँ, कुछ चाय वाय देने आया मेरे को कमरे में। मैंने कहा ठीक है सब? बोले ठीक है। मैंने कहा अच्छा गुरु, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी कुछ चाहिए। मैंने कहा तुम घर बार कब से छोड़ा? बोले बच छुप एकदम 8 साल का था तब से छोड़ दिया। तो मैंने कहा कि गुरुजी से मांग लेना, जो कुछ भी चाहिए तुम्हें बोल देना, गुरुजी तुम्हारे आए हैं, हरिगिरी जी वहाँ थे, तुम्हारे गुरुजी आए हैं, तो मांग लेना उनसे, जो कुछ भी कहना है कह दे। क्यों माई ऐसा क्यों बोलती है? मैंने कहा क्यों, क्या बोल दिया? गुरु को दिया जाता है कि लिया जाता है? ये मुझे बोलता है, सही में मैं सत्य घटना सुनाती हूँ। गुरु को दिया जाता है कि लिया जाता है? मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जो मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं मत्था टेकता हूँ। मेरे पास 200 रुपये थे तो मैंने 200 का मत्था टेक दिया, मैंने 100 का कैसा कुछ वो बोला मत्था टेक दिया। एक परंपरा होती है कि खाली हाथ गुरु को प्रणाम नहीं किया जाता। तो इन
सनातनियों में ये परंपरा है अखाड़ों में कि कुछ ना कुछ माथा टेकते हैं। आपड़ा बापू जेव ना हो एक मेरे को कुछ नहीं चाहिए कुछ धरना नहीं એટલે હું તો અખાડાની છું હું તો કહી દઉં છું કે ભાઈ જેને જે દેવ હોય આવતા રહ્યો આ બાજુ ઓલી બાજુ દરવાજો બંધ છે આ બાજુ ખુલ્લો છે આપણે ફોર પીપલ બાય પીપલ વિથ પીપલ फॉर पीपल जगत के लिए हैं जगत से हैं और जगत से रहेंगे फॉर पीपल बाई पीपल विथ पीपल। तो मैंने कहा भाई तू तो नहीं मैं तो मत था अब मैं आपको सुनाती हूँ। कई बार अपने संप्रदाय में भी लोगों को सन्यासियों से एलर्जी जैसा है कि ये तो गंजेरी है ये तो चमेड़ी है तो आपड़ा संसारियों क्या दारून ड्रिंक्स ने सिगरेट नहीं लेता તો હું બાવાઓનું હું બાવા હું બગાડ્યું તમારું તો કે ના એ તો ગંજેરી હોય ચમેરી હોય દૂસરા આપને સંસાર મેં જો જીવન મેને દોનો દેખા હૈ પ્રમાણ મેં બહુ કોઈ અનુભવી નહીં હું આપણો છોકરો ક્યારે કે છોકરી ક્યારે આવીને કહેશે લે મમ્મી 5000 રૂપિયા કમાઈ આવે નાનો હોય 18-20-25 વર્ષનો લે પપ્પા આ તમને 50% તમારા કારણ કે આજે હું આ મહિને 5000 કમાણો છું તો લે માં તું 50% તો મારે તને દેવા જેવું કોઈ આપશે એ મને જવાબ આપો એમ કહેશે કે મમ્મી હવે મારે આ લેવું છે મમ્મી મારા માટે લોન લઈ લ્યો ડેડી હવે મારે આ કરવું છે આપણે સંસારમાં અપેક્ષા છોકરાને પછી છેલ્લે શું કહેશે આવું છું છેલ્લે શું કહેશે અમારા માટે શું કર્યું આ તો તમારી ફરજ હતી જે કર્યું એ તમારી ફરજ છે કે કરવાનું કંઈ તમે ઉપકાર નથી કર્યો મનમાં ભૂલે નહીં તો મનમાં સમજે કે ભાઈ તો તમારી ડ્યુટી છે તમે તમારી ડ્યુટી પાલન કરી તે પહેલો કેવી સોચ કે ના એટલો નાનો 18 વર્ષનો છોકરો એના ખિસ્સામાં કશું નથી એણે 100 કે 200 રૂપિયા માથું ટેકીને તો પછી એ સુખી થાય કે નહીં તો જો વાત મેં કહે રહી હતી કે જો ભાવ હૈ વો ભાવ તણી રંગ અવધૂતજી હો ગયે દત્ત અવતાર હી હો ગયે હો અવધૂત પરિવાર બહુત બડા હૈ ગિરનાર મેં ઉનકો ભી સાક્ષાત્કાર હુઆ ગિરનાર મેં હી ઉનકો દત્ત મહારાજ મિલે તો કોઈ તો મહત્તા હૈ ગિરનાર કી બોલો ગિરનારી મહારાજ કી જય તો બોલે વાલો ભાવ તણો એક ભૂખ્યો રે 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 રંગ પ્રેમ જોઈ રંગ પ્રેમ कब झुके प्रेम से उनका उन्होंने प्रेम देखा दत्त महाराज का लोगों का वहां वो झुकता है वहां ईश्वर भी झुकता है वहां संत भी झुकते हैं और वहां संसार भी झुकता है जहां प्रेम है प्रेम ही एक ऐसा इट इज द स्पाइनल कोड ऑफ ह्यूमन लाइफ ये हमारी स्पाइनल ने शू किया करोड़ रज्जु है हमारी स्पाइन है करोड़ रज्जु है अगर करोड़ रज्जु इधर उधर हुई तो सब गड़बड़े रंग प्रेम जोई दूर तज झुक्यो रे रंग प्रेम जोई दूर तज झुक्यो रे हूँ तो नाम हो छु मन सुया सूत ने रे हूँ तो नाम हो छु मन सुया सूत ने रे Bye.
पुनः 3 से 4 के बीच में मिलते हैं। प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत। बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की जय, अम्बे मात की, महाकाली मात की, गंगा मैया की जय, गणपति महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, साईनाथ महाराज की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार।